यहाँ एक दुकान किसी एक गांव के नाम पे आवंटित थी और वो दुकान उस गांव की जगह पे ओरछा के मुख्य प्रवेश द्वार पर मतलब बना दी गई। और इस बारे में हमारे संगठन के लोगों ने, हमारी विचारधारा के, बीजेपी के सब लोगों ने ज्ञापन दिए, धरने किए, प्रदर्शन किए, लेकिन वो दुकान बनी ही रही। एक महीने पहले मेरे नोटिस में बात आई तो मैंने भी सबसे बात की, मैं नाम नहीं लूँगी आज उनके। कल भी मैंने सुबह बात की कि मैं ओरछा जा रही हूँ, अब तो मुझे दुकान बंद मिलनी चाहिए क्योंकि ओरछा और अयोध्या का बराबर महत्व है। तो ठीक मुहाने पे शराब की दुकान होना, मतलब शराब का आचमन करते हुए लोग आएंगे क्या, शराब देखते हुए लोग आएंगे क्या? ऐसा तो कहीं नहीं देखा किसी धर्म स्थली पे। और वो रोड से भी बहुत दूर नहीं है जो रोड के नियम होते हैं, यानी सारे नियमों का उल्लंघन करके धज्जियाँ उड़ाते हुए वो दुकान वहाँ ठप्पे से बनी रही। तो आज जब मैं वहाँ पहुँची तो पत्थर, तो मैंने कहा था ना अपराध है, फेंकना बहुत बड़ा अपराध मानती हूँ, और मैंने कहा था दुकानदार FIR दर्ज करे भोपाल में तो मैं ज़रूर गिरफ्तारी दूंगी। लेकिन दुकानदार मेरे प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, उसको लगा कि दीदी सही है, हमारी दुकान गलत है, तो इसलिए उसने FIR दर्ज नहीं की। यहाँ भी मैंने उन लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि उनको परे कर देती हूँ। फिर थोड़ा मैंने गोबर छिटक दिया, वो भी एक बहुत पवित्र गौशाला की गाय का गोबर छिटक दिया है, और मैंने इसकी सूचना भी दे दी है जहाँ मुझे देनी है कि आप इस दुकान को हटाइए। ये बिल्कुल ठीक ओरछा में लोगों का स्वागत कर रही है। ओरछा राम राजा की नगरी है, राम का नाम सबसे पवित्र नाम माना गया, भगवान विष्णु सबसे पवित्र माने गए। दीदी राहुल गांधी के लिए ईडी में जो चलाया है उसमें बड़े स्रोत जा रही है, क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या है असल में, हम लोग को ना राहुल का माइंड समझना पड़ेगा। राहुल और उनके परिवार ने ये माना कि देश हमारी जागीर है और हम इस देश के सामंत हैं, तो हम कोई भी चीज़ इधर से उधर कर सकते हैं। उन्हें होश ही नहीं था इसका कि ये देश है, ये इनकी जागीर नहीं है खानदान की, इनको लोगों ने चुना हुआ है, तो कुछ भी करते रहे। और उस कुछ भी करते रहने को सरकार का संरक्षण मिलता रहा क्योंकि सरकारें ही उनकी थी, मनमोहन सिंह जी वगैरह की थी। तो इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, देखे ना जिस तरह से अभी तक कांग्रेस के लोग किसी बुराई के खिलाफ सड़क पर नहीं आए, खाली पार्लियामेंट में मुँह चलाते रहे। पहली बार हुआ कि उस परिवार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार को बचाने के लिए वो सड़क पे आ गए। लेकिन मुख्य बात समझ के चलिएगा कि राहुल जी और उनकी जो बहन है मिसेज वाड्रा, वो ये मान के चलते हैं कि हम शहजादे और शहजादी हैं, ये हमारा राजघराना है और ये देश हमारी जागीर है और ये देश की जनता हमारी प्रजा है और ये कांग्रेस जन जो है ये हमारी चाटुकारों की सेना है। और उसी माइंडसेट को कांग्रेस देख के फिर खाद दे रही है ऐसी गलती करके। नहीं, उनकी इस स्थिति को बनाने के लिए मैं पूरी तरह से कांग्रेस को जिम्मेवार मानती हूँ, क्योंकि जब शाहबानों का केस आया था उस समय पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो शाहबानों के पक्ष में था। उस समय पर जिस प्रकार से पार्लियामेंट में राजीव गांधी ने उस फैसले को उलट दिया था, उसके बाद इस देश के मुसलमानों के बीच में कट्टरपंथियों का वर्चस्व कायम हो गया। तो अब तो लोग उस भाषा को बोलने लगे हैं मजबूरी में, क्योंकि उन्हें लगता है इसके अलावा हमारा पॉलिटिकल सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो वो भी सीधे पढ़े लिखे आदमी हैं, मदनी भी बहुत मेरे ख्याल से सभ्य से व्यक्ति हैं, लेकिन अब वो जो बातें बोल रहे हैं वो उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और ये सब कांग्रेस ने किया आरिफ मोहम्मद खान को अलग करके, क्योंकि आरिफ मोहम्मद ने विरोध किया था कि शाहबानों के बाद में जो मतलब पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट किया गया वो सबसे बड़ा पाप किया था कांग्रेस ने इस देश की महिलाओं के साथ, इस देश के मुसलमानों के साथ, और मुसलमानों को कट्टरपंथी नेताओं की झोली में फेंक दिया था। नवाज के बाद में छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में पत्थर देना क्या ठीक? इनके साथ छोटे बच्चे हैं तो पत्थर हाथ से छीने जा सकते हैं, लेकिन जो बड़ी उम्र के हैं, एडल्ट हैं, उनके साथ सरकार जिस तरह से डील कर रही है बिल्कुल सही डील कर रही है, बहुत ज़रूरत है इसकी। अरे आप ये देखिए साहब, यूरोप के क्या बोलते हैं अरब के एक देश ने अपने लोग यहाँ से लोगों को निकाल दिया है क्योंकि उन्हें प्रदर्शन किया, क्योंकि उनका कहना है कि भारत का अंदरूनी मामला है, इसमें आप क्यों पड़ गए जब आप यहाँ पर रह रहे हो। मतलब विदेश में रहने वाली मुस्लिम कंट्रीज भी इस बात को पसंद नहीं कर रही हैं अपने यहाँ पर इस प्रकार के प्रदर्शन, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया, हम क्यों बर्दाश्त करेंगे, क्यों बर्दाश्त करेंगे इन बातों को? क्या मतलब है ADG के ऊपर पत्थर फेंक देना, क्या मतलब है पुलिस फोर्सेज पर पत्थर फेंक देना? क्या आप देश के कानून और संविधान को नहीं मानते, देश की न्याय की मर्यादाओं को नहीं मानते? तो इसीलिए बिल्कुल ठीक किया है और ऐसा ही होना चाहिए इनके साथ।